If mass energy equivalence is taken into account, when water is cooled to form ice, the mass of water should. तो ये ऑप्शंस हैं, इंक्रीज, रिमेन अनचेंज्ड, डिक्रीज एंड फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो क्वेश्चन है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस को अगर ध्यान में रख के बोलें तो जब पानी को हम आइस बनाते हैं तो पानी का तो मास को क्या होना चाहिए। देखिए, सपोज दिस इज वाटर एंड यू मेकिंग इट इनटू वाटर से इनटू आइस, सॉलिड आइस, ओके। सो इट कैन ओनली बी फॉर्म व्हेन इट लूजेस हीट, ओके, लूजेस हीट, यानी कि और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। So if loses energy according to Einstein's mass energy equivalent relation, that some energy is lost. That means some mass is lost. So E बराबर c square के according mass कुछ कम हुआ है क्योंकि heat बाहर गई है. That means the mass will decrease. Mass will decrease. And by how much? By E by c square. E भी आप लगा सकते हो कि कितनी है, Q बराबर ml बोलते हैं ना हम, अगर तो यू कैन पुट इट हेयर, ml डिवाइड बाय c स्क्वायर, दैट्स द आंसर टू द क्वेश्चन। खैर, डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर।